तुम्हें शर्म आ रही है, हसन साहब को हंसी आ रही है और मुझे गुस्सा आ रहा है। मगर वैसे मुझे बहुत शर्मिंदगी, इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स आप लोगों को मिलते रहते हैं? ऑफ कोर्स ऑल द टाइम। मुझे तो यूजुअली जब कोई मिलता है तो ये कहते हैं कि ओ आप तो छोटी लगती हैं एज में, स्क्रीन पे तो टेलीविजन की वजह से आपकी। या फिर कोई मिलता है तो सबसे पहले ओ आप तो इतनी हैवी नहीं है जितनी आप टीवी पे लगती हैं, बिकॉज कैमरा आल्सो पुट्स ऑन वेट। तो ऐसे तो हाँ पीपल आर वेरी फोकस्ड। जैसे जैसे आप करोड़ों दिलों की आइडियल है तो आपका भी तो कोई आइडियल होगा, क्रश कहते हैं ना उसे। आइडियल और क्रश आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स। आइडियल वो होता है जिसको आप देख के एडमायर करते हैं और आप वैसा बनना चाहते हैं, और क्रश वो होता है जो कि आप ख्वाबों का। मैं आपको बताता हूँ आसान लफ्जों के, आइडियल होता है वजीर आजम, क्रश होता है बाबर आजम। पाकिस्तान बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करना चाहना बिजली दे उते। Yeah, Sheikh, what are you trying to say today? Kalim. Kuntu na'iman. Na. Indama qata'tu al-karaba. Okay, kana mera hati sutab hai de janak bijli chali gayi. Okay. Aywa, wa fij'atan tawaqqaf makayif al-hawa. Oye, kana AC bhi band ho gaya, te mera sona hi mahal ho gaya. Aha. Aywa. Hadha bi fadli abar al-benzin, al-mawlid lam yughlaq. Oh, 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 ma sha Allah, kya khoobsurat gal ki thi. Samajh mein bhi nahi aayi. هذا بفضل ابار البنزين المولد لم يغلق او كان شكر ہے کہ ساڈا پٹرول دا کاروبار ایسی خوب ہے سن اودی وجہ تو جنریٹر ساری رات چلدا رہیا اچھا ایوا الصباح انا شوف فاتوره الكهرباء او كان سویرے اٹھ کے جدو میں بجلی دا بل ویکھیا تے میرا ترا نکل گیا اگلی گل تے میں کیتی نہیں ثم حصلت على فكره صفي تجاره الكهرباء في الباكستان لو كان میرے دل چ آئیڈیا ہے کہ پاکستان بجلی دا کاروبار کرن واسطے تے بہترین جگہ ہے تو what does he want to do now اقوم بانشاء IPP ہاں کہندا میں تے کمپنی بنانا چاہنا IPP دے نام تو IPP PPP all parties already here لا لا IPP یعنی independent power plant کدا اچھا فی موجود فی موجود کہندا چھڑ دیو اسی کوئی اور نام رکھ لیں ایوا يمكن ان افعل اي شيء حتى بناء سد अच्छा कहना मैं थे तो डैम बना देना तो डैम बनवा दें यार माफी मुश्किल बस वाहिद शेख तलबी क्या फकत फकुन बखैर रजुल कहना बंदे को सही होने चाहिए ना सच्चे जिहड़े मेरे नाल काम करन ते फिर मैं बना सकदा अरे बंदे मिल जाएंगे हमें डैम की बहुत जरूरत है तहदीद मुअदन मिसल हादा शख्स हां कहंदे कोई ऐसा शख्स होवे जेड़ा सा फ्रॉड ना करे सर डैम ते बनया होया सिर्फ इच पानी पाउणा काल मेरे ख्याल तस जी अस्सलाम वालेकुम हैं नहीं नहीं आओ वापस चलिए इस मुश्किल मीटर कटाया गया वेलकम बैक टू गपशप हसन साहब आप लोगों ने बड़ा प्रसिस्टेंटली कहा है कि 90 दिन के अंदर ही इलेक्शन होने चाहिए और ये स्टांस कुछ लोगों को सरप्राइज भी किया गिवन के भी आप लोग पीडीएम में से निकल के आए थे और हुकूमत से थे और कि ये इतना ओपनली कह रहे हैं कि जो 90 दिन में इलेक्शन कराएं 90 दिन में कराएं एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि सिंध के अंदर आपके कुछ पिछले जो वज़रा थे हुकूमत में गुजरे हुए प्रोविंशियल जो थे उनके ऊपर इंक्वायरीज खुलना शुरू हो गई हैं मुकेश चावला साहब का भी आ गया एक नाम जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग लगा उनका 15 साल से वजारते चल रही थी और 15 साल में पहले बात ना हुई मगर ये पिछले 15 दिन के अंदर एकदम ख्याल आ गया तो क्या आपको लगता है कि ये वाकई ही कोई पकड़ लिया है या फिर कोई इशारा आ रहा है कहीं से कि मान जाएं देखें एक चीज़ तो है कि हम पीडीएम का हिस्सा नहीं थे हम उनके इत्तेहादी थे हुकूमत का हिस्सा थे हम हुकूमत के बाद जब हम अपनी अपनी पार्टी के साथ अपनी जदोजहद शुरू की तो ये भी कोई नया नहीं है ये हर दफ़ा जब भी इंटरिम सेटअप आता है तो पीपल्स पार्टी के लोगों को तंग भी किया जाता है पीपल्स पार्टी को तोड़ने की कोशिश भी की जाती है सिंध में क्योंकि अब वो समझते हैं कि हमने पाकिस्तान सारे में से पीपल्स पार्टी को माइनस कर ली है और अब सिंध ही हमारा टारगेट है
तो इसलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साहब इस वक्त तो आपको लगता नहीं कि 90 दिन वाली बात की वजह से जरा आप लोगों पे ज्यादा नजर एकदम आ गई है? यकीनन उसमें से हो सकता है एक ये भी हो। कदरे जो लग रहा है वो यही कि सबसे एक ऑड बात जो है वो यही हुई कि ये पीपल्स पार्टी वालों ने कहा ये 90 दिन वाली बात शुरू कर दी है। बिल्कुल हो सकता है। और उसके ऊपर भी कुछ आपके अपने पार्टी इंटरनल रैंक्स के अंदर भी, जिस तरह हमने देखा जो एग्जीक्यूटिव कमेटी की थी, तो उसके अंदर खोसा साहब और इजाज हसन साहब को दोबारा दावत दी गई। उनको दोबारा दावत क्या दी गई? मतलब हमारी पार्टी में कुछ माहौल जरा है, इख्तलाफ राय हो सकता है। वो खोसा साहब भी कर सकते हैं, इत्जाज साहब भी कर सकते हैं, और वो पार्टी के बड़े सीनियर साथी हैं, एसेट हैं पार्टी का। वो इख्तलाफ राय अपनी जगह है, वो उनको सुना भी जाता है, जिस हद तक वो मानने के काबिल हो माना भी जाता है। सर अगर 90 दिन में इलेक्शन ना हो तो आप एहतजाज करेंगे, अगले 2 साल इंतजार करेंगे? इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक हमारी सीईसी दोबारा हो रही है लाहौर में, और उससे पहले सीईसी तो वाम दी हो रही है जी। नहीं नहीं, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है। अच्छा सॉरी सॉरी। तो उसमें हम अपना लाए अमल देंगे। वैसे आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू द इलेक्शन? डू यू हैव एनी इंटरेस्ट? नॉट एनीमोर। आई हैव लॉस्ट ऑल होप। You've lost all hope. बिल्कुल, absolutely. 5 साल पहले जो हमारा majority का जो एक वो था, जोश था, we wanted to do good for our country. वो अब जो पिछले 2-3 साल में जो हम देख रहे हैं, जो हालात हैं, उसके बाद majority have given up. एक तो वही वाली बात कि अपने मसलों में इतना हम लोग पड़ गए हैं कि अब हमारे पास टाइम नहीं है सोचने का, और दूसरा फिर हम लोगों ने ये भी देखा कि हम कुछ भी कर लें कोई फ़ायदा नहीं है, होना वही है जो कि डिसाइड हो गया है। एक सोच है कि फैसला जेड़ा है फैसला आवाम नहीं करना होता है और आवाम ही कर दी है, कहने की हद तक ये होता है कि डिसाइड हो गया कि धांधली या रिगिंग पूरी दुनिया च होती है। उनके नाल ये नहीं कि रिजल्ट्स ते इस हद तक फर्क पै जाए कि बिल्कुल ही इंज नहीं होता, कुछ ना कुछ आवाम का जरूर होता है। सर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जब आवाम चूज करती है तो अपने सिलेक्शन को वो पूरे 5 साल क्यों नहीं टेस्ट करके देख सकती, एक्सपीरियंस कर सकती है, उसको क्यों फिर ओवरथ्रो कर दिया जाता है अवाम के डिसीजन? देखें अवाम जो है वो सोच रही होती है कि हमारी उम्मीदों और उमंगों के मुताबिक कल ही ये हो जाएगा, हमारा जो इंतखाब है उसके रिजल्ट्स कल ही आना शुरू हो जाएंगे, जो मुमकिन नहीं होते, और वो 2-4-6 महीने के बाद उनका बिल्कुल जो बिहेवियर है वो चेंज हुआ होता है। आप देख लें कोई भी पोलिटिकल पार्टी है, एक दफ़ा वो आती है हुकूमत में, दूसरी दफ़ा वो नहीं आ पाती। नहीं लेकिन अभी जो फिलहाल जो पिछली गवर्नमेंट थी जो कि ओवरथ्रो की गई है, उसमें आवाम तो विलिंग थी वेट करके 5 साल देखने के लिए, जैसे बाकी पार्टीज़ को इतने इतने साल और इतनी इतनी बार टर्न दी गई है कि एटलीस्ट ये भी तो अपने 5 साल पूरे करके देखें। आवाम नहीं थी, आवाम सड़कों पर ही थी। अगर वो 4 साल जो उनके थे 3.5 साल अगर आप देख लें तो उन्होंने उन 3.5 सालों में ये कर दिया कि आज तक वो इकॉनमी ठीक नहीं हो पा रही। इन्होंने 15 महीनों में इकॉनमी में क्या ऐसा किया है कि आप सोच रही हैं कि ये 15 महीनों में तबाही हुई है, पिछले 3.5 साल में बिल्कुल हालात ठीक थे? ऐसा हरगिज़ नहीं है। वो 3.5 साल के रिजल्ट्स ही हैं जो 15 महीनों में नहीं ठीक हो पाए। शर्मीन एक तो बाय द वे ये सिर्फ 3.5 साल जो आप पिछली हुकूमत की बात कर रही हूँ उनके साथ ही नहीं, ये उससे पहले भी हुआ है, 12 से 18 के दरमियान में भी यही हुआ, इसलिए तो आज तक हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर 5 साल पूरे नहीं कर सका। इनकी अपनी हुकूमत के अंदर भी हो चुका है इनके साथ, जब मोहतरमा शहीद जब खुद वजीर आजम होती थी ट्वाइस वो खुद भी नहीं पूरी कर पाई, 2-2 साल में उनकी तो हुकूमत चली गई। 2008 के अंदर जब ये लोग आए पावर में टिल 2012 रहे, तो वो भी इनके साथ भी यही हुआ कि इनके प्राइम मिनिस्टर 2 बार चेंज होने पड़े। अच्छा फर्क क्या था जो मुझे लगता है जो आपके पर्टिकुलरली के पूरे क्यों नहीं कर पाए कि इनकी तरफ जरदारी साहब थे तो उन्होंने गिलानी साहब के जाने के बाद भी बंदा रिप्लेस कर दिया, हुकूमत नहीं जाने दी। हो सकता है अगर उस वक्त जरदारी साहब ये करते कि जी गिलानी साहब को आपने निकाला है या जो भी हुआ था वो, तो मैं हुकूमत ही असेंबली तोड़ देता हूँ, तो अगेन इट वुड हैव बीन 3 इयर्स और 3-4 साल में असेंबली टूट जाती।